नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं लोकसभा सीरीज। इस सीरीज के आज के भाग में हम आपको सातवें लोकसभा चुनाव के बारे में बताएंगे। सातवीं लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हार और उनके उत्थान की कड़ियां भी जुड़ी हुई थी। सियासत के दावपेच की माहिर खिलाड़ी इंदिरा गांधी का वक्त ने कड़ा इम्तिहान लिया। एक तरफ जनता पार्टी की सरकार ने शाह कमीशन बनाकर कानूनी दावपेच में उलझा कर रखा था, तो कांग्रेस के भीतर भी इंदिरा के नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो गया था। शाह कमीशन की जांच में इंदिरा गांधी के कई मंत्री उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। ब्रह्मानंद रेड्डी, जगजीवन राम, सिद्धार्थ शंकर रे और हेमवती नंदन बहुगुणा ने उनके खिलाफ गवाही दी। इस बीच एक बार सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के आरोप में रात भर के लिए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन ठोस सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। अब तक इंदिरा ने समझ लिया था कि आर पार की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। कांग्रेस में उनके नेतृत्व पर उठ रहे सवाल की वजह से उन्होंने जनवरी 1978 में कांग्रेस आई पार्टी बना दी। अब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी बदलकर हाथ हो चुका था, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले भी कांग्रेस के गाय बछड़े के चिन्ह को भी जब्त कर लिया था। फरवरी 1978 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस आई को जीत मिली। ये जीत इंदिरा गांधी की राजनीति के लिए संजीवनी साबित हुई। आपको ये बताते हैं कि आखिर क्यों इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई का चुनाव चिन्ह हाथ ही रखा था। हाथ को चुनाव चिन्ह के तौर पर अपनाने के पीछे की कहानी भी कम रोचक नहीं। चौतरफा परेशानियों से घिरी इंदिरा गांधी तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती का आशीर्वाद लेने पहुंची। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी की बात सुनने के बाद पहले तो शंकराचार्य मौन हो गए, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी से हाथ का पंजा को पार्टी का चुनाव निशान बनाने को कहा और आगे चलकर ये निशान इंदिरा गांधी के लिए नकी चारों साबित हो। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में इस हाथ के निशान से ही कांग्रेस ने जीत हासिल की और राष्ट्रीय राजनीति में इंदिरा गांधी ने फिर से वापसी कर ली। वहीं एक साल गुजर जाने के बाद बदलाव के नारे के साथ आई मुरारजी की सरकार कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाए। देश की माली हालत भी जस की तस थी। ऊपर से जनता सरकार के कई गुट आपस में ही एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। आम जनता में भी सरकार से मोहभंग होना शुरू हो चुका था। इंदिरा गांधी को मौका दिखने लगा था। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने इंदिरा गांधी की सियासत की तकदीर और तस्वीर ही बदल कर रख डाली। हम बात कर रहे हैं बिहार के बेलछी कांड की। आपातकाल के बाद मिली करारी हार से इंदिरा गांधी को लगता था कि आम जनता उनके खिलाफ गुस्से में है, इसलिए वे बंद कमरों में ही समय गुजारा करती थी। तभी अचानक बिहार के बेलछी नाम के इस दूरदराज गांव में दलितों का कत्लेआम हो गया। इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि वह किसी भी सूरत में पीड़ितों से मुलाकात करेंगी। इंदिरा गांधी दिल्ली से हवाई जहाज के जरिए सीधे पटना और वहां से कार से बिहार शरीफ पहुंच गई। बिहार शरीफ पहुंचते पहुंचते शाम ढल गई और मौसम बेहद खराब था। हर कोई इंदिरा गांधी को आगे नहीं बढ़ने की सलाह दे रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी बेलछी पहुंचने की अपनी जिद पर अड़ी रही। स्थानीय कांग्रेसियों ने बहुत समझाया कि आगे रास्ता एकदम कच्चा और पानी से लबालब है, लेकिन इंदिरा पैदल ही चल पड़ी। मजबूरन साथी नेताओं को उन्हें जीप में ले जाना पड़ा, मगर जीप भी कीचड़ में फंस गई। फिर उन्हें ट्रैक्टर में बैठाया गया तो वह भी कीचड़ में फंस गई। इंदिरा तब भी नहीं रुकी और पैदल ही बेलछी की ओर चल दी। तब किसी साथी ने हाथी मंगवाया और इसी हाथी पर इंदिरा गांधी और उनकी महिला साथी सवार हो गई। बिना हौदे के हाथी की पीठ पर इंदिरा गांधी ने बियाबान अंधेरी रात में जान हथेली पर लेकर पूरे 3.5 घंटे का लंबा सफर किया। इंदिरा जब बेलछी पहुंची तो खौफ ज्यादा दलितों को ही दिलासा नहीं हुआ, बल्कि वे पूरी दुनिया में सुर्खियों में छा गई। हाथी पर सवार उनकी तस्वीर ने साबित किया कि दलित समाज की पीड़ा को वे बखूबी समझती हैं। इंदिरा के इस साहसी कदम ने कांग्रेस में उत्साह भर दिया। इंदिरा के इस कदम को राजनीति का टर्निंग प्वाइंट भी माना जाता है। फरवरी 1978 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जीत और जनता सरकार की नाकामी ने इंदिरा को बड़ा मौका दिया। उन्होंने अब अपने सबसे ताकतवर विरोधी मोरारजी सरकार का तख्ता पलटने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया।
इंदिरा गांधी जानती थी कि मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के रिश्ते खराब हो चुके हैं। इंदिरा ने भांप लिया कि अगर चरण सिंह को समर्थन दिया जाए तो वे सरकार से बगावत कर सकते हैं, इसलिए इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह की प्रधानमंत्री बनने की दबी इच्छा को हवा दी। चरण सिंह भी इंदिरा गांधी के झांसे में आ गए और 28 जुलाई 1979 को वे भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इस तरह से मोरारजी सरकार को तो उन्होंने गिरा दिया, लेकिन चरण सिंह की सरकार को समर्थन देने के बदले में उनके सामने एक शर्त रखी। इंदिरा ने उन मुकदमों को वापस लेने की शर्त रखी जिन्हें चौधरी चरण सिंह ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर चौधरी चरण सिंह ऐसा करते तो उनकी ईमानदार नेता की छवि हमेशा के लिए खत्म हो जाती। आखिरकार चौधरी साहब को प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने के साथ साथ चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्रपति से मध्यावधि चुनाव की सिफारिश भी की, ताकि कोई दूसरा नेता सरकार बनाने के लिए दावा ना कर सके। राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को मानते हुए लोकसभा भंग कर दी। इस तरह से 1980 में मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान हो गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आई पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतर गई। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई ने 353 सीटों पर बंपर जीत हासिल की। कुल वोटर टर्नआउट का 66.73% वोट इंदिरा गांधी की पार्टी को हासिल हुआ। जनता पार्टी के नेताओं के बीच की लड़ाई और देश में फैली राजनीतिक अस्थिरता ने कांग्रेस आई के पक्ष में काम किया। मतदाताओं को इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार की याद आने लगी और यही वजह थी कि दिल खोलकर आम जनता ने कांग्रेस का समर्थन किया। वहीं जनता पार्टी या बचे हुए गठबंधन को महज 31 सीटें मिली। पहली बार इसी चुनाव में जनसंघ की जगह भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी की लहर में बीजेपी महज 13 सीटों पर ही भगवा लहरा पाई। इस चुनाव ने एक बार फिर देश की सियासत में गांधी परिवार की धमक साबित कर दी। गांधी परिवार के समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया कि देश को चलाने का गुण केवल कांग्रेस में ही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे 8वीं लोकसभा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।